हाय मेरी YouTube फैमिली कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज फिर आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ आज का वीडियो बहुत ही हाई रिक्वेस्टि वीडियो है आप, आप लोग पूछे दी आजकल अपने बालों में कौन सा ऑयल लगा रहे हो क्या लगा रहे हो हमारे साथ शेयर करो तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं अपने बालों में इस समय कौन सा ऑयल लगा रही हूँ और ये आपके, आपके बालों को सिर्फ लंबा ही नहीं करता आपके बालों की हेयर ग्रोथ को काफी अच्छा कर देता अगर आपके बाल टूट रहे हैं झड़ रहे हैं दो मुँह हैं बेजान है आपके बालों में रूखापन है साइन नहीं है चमक नहीं है तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बना देते हैं आपके झड़े हुए बालों पे भी नए बाल आ जाते हैं आपके बालों में एक नई जान आ जाती है इस ऑयल को घर पर बनाने का तरीका बहुत ही आसान है इस ऑयल को आप बना करके वन मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हो बच्चे हों बूढ़े हों हर एज के लोग इस ऑयल को लगा सकते हैं और इसके रिजल्ट बिल्कुल मैजिक है मैंने यूज किया है मैं आप लोग के साथ इस ऑयल को बहुत पहले भी शेयर कर चुकी हूँ बट लगता है आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था इसीलिए आप बार बार मुझसे पूछते हो दी आप कौन सा ऑयल अपने बालों में लगा रहे हो तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं और इस ऑयल को हम बना के शो करके रख लेते हैं वन मंथ के लिए और अपने बालों को लंबा काला घना बनाते हैं बट आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना होगा जी हाँ बालों में ऑयल लगाने से ही सब कुछ नहीं होगा आपको अच्छी डाइट भी लेनी होगी हरी सब्जियां खानी होगी दाल खाने होंगे फल खाने होंगे विटामिन सी लेनी होगी और सबसे बड़ी बात आपको पानी पीना होगा जी हाँ खूब सारा पानी एक दिन में कम से कम आपको 12 से 13 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए तो चलिए किचन में चलते हैं इससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या कई बार आए हो और आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो गोता राज के नाम से तो चलिए फटाफट तो फ्रेंड्स इस जादुई तेल को ऑयल को बनाने के लिए आपको दो प्याज लेने हैं आप सभी को पता है प्याज में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को पोषण देता है जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और बालों को एक विकास मिलता है बालों की हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है झड़ते हुए बाल रुक जाते हैं और प्याज में एंटीबैक्टेर गुड़ भी पाया जाता है जिससे बालों में इन्फेक्शन होता है बालों की जड़ों में अगर इस प्याज के रस को भी हम लगाते हैं तो हमारे बाल काले घने लंबे होते हैं झड़ते हुए बाल रुक जाते हैं बालों में एक नई जान आ जाती है आपको क्या करना है इन प्याज के छिलके हटा के आपको छोटी छोटी पीस कट कर लेनी है और आप चाहो तो ऑनियन ऑयल मार्केट से भी ले सकते हो बट वो थोड़ा सा महंगा होता है सब नहीं ले सकते हैं तो आप इस तरीके से जादू ही तेल बना सकते हो घर पे बिना कोई पैसे खर्च किए हुए तो यहाँ देखिए मैंने प्याज को कट कर लिया है इसके बाद मैं यहाँ पर जो दूसरा इन्ग्रीडियंट्स ले रही हूँ वो ले रही हूँ लहसन जी हाँ लहसन की यहाँ पे मैं 10 से 12 कलियाँ ली हूँ उसे छिल लिया है छिलके हटा लिया है और ये भी हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे हैं झड़ते हुए बालों को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जी हाँ इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लेना है एक फ्रेश एलोवेरा प्लांट लेना है आपको एलोवेरा uh, जेल आपको लेना है तो आपको फ्रेश ही लेना है मार्केट का आपको जेल नहीं लेना है तो इस तरीके से आपको भी एक फ्रेश बड़ा सा प्लांट लेना है आप चाहो तो दो प्लांट ले सकते हो दो लीफ ले सकते हो एलोवेरा के और उसे धुल के साफ़ कर लीजिएगा जब आप कट करते हो तो येलो कलर का जेल निकलता है है ना जब कट करते हैं हम प्लांट से तो तो वो आपको नहीं लेना है दस मिनट के लिए आप खड़ा करके रख दीजिएगा और जब वो निकल जाएगा तो फिर आप इसे कट करके जैसे भी आप निकालते हो एलोवेरा से जेल उस तरीके से ये पूरा जेल आपको निकाल लेना है ये देखिए मैंने कट करके आ, बड़ी सावधानी से क्योंकि काटे भी होते हैं हाथों में ना चुभे इस तरीके से आपको फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है एक बाउल और आप इसे स्किप करना चाहते हो आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप अंसार के यहाँ से जाकर के एलोवेरा ऑयल ले सकते हो वो आपको लेना है हाफ बाउल मतलब पाँच बड़े चम्मच आपको लेने हैं फ्रेंड्स मेरे पास नेचुरल ऑयल एलोवेरा का नहीं है इसलिए मैं यहाँ फ्रेश एलोवेरा जेल ले रही हूँ तो इस तरीके से आप भी ले सकते हो अब इसके बाद हम जो यहाँ पे ऐड करेंगे वो लेंगे मेथी दाना जी हाँ मेथी जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है तड़के का काम करता है हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है हमारे बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारे ब्लड प्रेशर के लिए शुगर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उसी तरीके से ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है हमारे झड़े हुए बालों पे नए बाल उगाता है और साथ ही हमारे बालों को लंबा काला घना बनाता है रेशमी बनाता है तो यहाँ पे मैंने लगभग ढाई सौ ग्राम क्या सौ ग्राम ये मेथी दाना है आपको सौ ग्राम मेथी दाना लेना है और इसे क्या करना है वो आपको पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा अब यहाँ पे आपको एक मिक्सर जार लेना है जी हाँ और उसमें आपको जो लहसुन की कलियाँ हैं दस बारह कलियाँ आपने ली हैं उसे ऐड करना है उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने प्याज कट करके रखा है उसे ऐड करना है और आपने यहाँ पे जो एलोवेरा जेल लिया है फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है उसे भी यहाँ पे आपको ऐड करना है इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पीस के एक पेस्ट बना लेना है और ये ऑयल बना के आप वन मंथ के लिए रख सकते हो यहाँ पे देखिए मैंने फ़्रेश एलोवेरा जेल भी डाल दिया अगर आपके पास ऑयल है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा एलोवेरा ऑयल है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा बट आपके पास नहीं है तो आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है यहाँ देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने पीस के एक पेस्ट बना लिया है बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है और ये पेस्ट देखिए आप देख सकते हो इस तरीके से आपको पेस्ट बनना चाहिए अब चलिए अब हम बनाते हैं ऑयल चलिए फ्रेंड्स ऑयल बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे अगर आप इस ऑयल को सर्दियों में लगा रहे हो तो आपको सरसों का ऑयल लेना है सरसों का तेल लेना है ये आपको 250 ग्राम लेना है मैंने यहाँ पे 250 ग्राम सरसों का तेल लिया है अगर आप इसे गर्मियों में समर में यूज़ कर रहे हो अपने बालों में तो आपको कोकोनट ऑयल लेना है उतना ही लेना है ढाई ग्राम लेना है जी हाँ तो सरसों के तेल के फायदे तो आप सभी जानते हो सरसों के तेल हमारी दादी नानी के ज़माने से ही बालों में लगाते चले आए हैं लोग और दादी नानी के बालों को भी देखा होगा कि कितने काले और घने हैं लंबे भी होते हैं और झड़ते भी नहीं उन लोगों के बाद तो सरसों के तेल तो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है तो हम किचन में आ गए हैं किचन में मैंने कढ़ाई रखा था कढ़ाई को गर्म होने दिया था और गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है सारा ऑयल मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है गैस बिल्कुल स्लो होनी चाहिए गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए उसके बाद आपने जो पेस्ट बना रखा है प्याज का लहसुन का और एलोवेरा जेल का मतलब सारी चीज़ों को आपको इसमें डाल देना है हाँ और सारी चीजें डाल के आपको इसे हिलाते रहना है आपको रुकना नहीं है आप तीस सेकेंड के लिए रुक सकते हो बट आपको हिलाते रहना है आपको यहाँ पे रुकना नहीं है अब इसके बाद आपने जो मेथी दाना लिया था आ, 100 ग्राम उसे भी यहाँ पे आपको डाल देना है मेथी दाना देखिए अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और इस ऑयल को बनाने में कम से कम पंद्रह मिनट लग जाते हैं गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए तेज नहीं होनी चाहिए नहीं तो आप तेज़ कर दोगे तो प्याज जल जाएगी आपकी मेथी दाने जल जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी जल्दी नहीं चाहिए मेथी दाना आपका काला नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमें प्याज और मेथी दाने के सारे बेनिफिट हम इस ऑयल में चाहिए तभी आपकी ये ऑयल आपके बालों पे असर करेगा तो यहाँ पे देखिए मैं हिलाते रह रही हूँ हिलाते हिलाते अब प्याज अपना पानी छोड़ रहा है झाग जैसा बन रहा है तो गैस की फ्लेम बिल्कुल मैंने आ, मतलब स्लो ही रखी है और यहाँ देखिए जो मेथी दाना हमारा जला नहीं है कोई चीज़ आपकी जलनी नहीं चाहिए और जो आपका एलोवेरा जेल है वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो ध्यान यही रखना है आपको कि मेथी दाना आपका बिल्कुल ब्राउन हो जाए काला ना पड़े काला पड़ गया तो आपका ये ऑयल आपके बालों पे असर नहीं कर करेगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है झाग जब आ रहा था तो मुझे लगा कि हमारा ऑयल बन चुका है गैस की फ्लेम बंद कर दी है और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इस ऑयल में आ चुकी हैं इन्ग्रीडेंट्स हमने यहाँ पे इसमें ऑयल में डाला था उन सारे चीज़ों का बेनिफिट सारे गुड़ पोषक तत्व इस ऑयल में मिक्स हो चुका है अब इसे आपको ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है अभी ऑयल बनकर रेडी नहीं हुआ है ठीक है ये देखिए ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से अब इसे ठंडी से या मलमल -मल के कपड़े में आपको रख के अच्छे से निचोड़ के छान लेना है और एयर टाइट ही बंद रखना है तो यहाँ पे देखिए मैं इसे छान रही हूँ छन्नी से इस तरीके से आप इसे छान लोगे और इसे कब लगाना है आपको वीक में आप दो से तीन बार लगाइए रात में सोने के पहले आपको अच्छे से बालों में मसाज करना है कम से कम दस मिनट तक बालों की जड़ों में सेल्फ में अच्छे से मसाज करना है और सुबह आपको बालों को धुल लेना है तो फ्रेंड्स यहाँ छानने के बाद आपको ये जो कचड़ा दिख रहा होगा ये कचरा नहीं है आप इसे मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस के पेस्ट बना के दही के साथ हेयर पैक के तौर पे लगा सकते हो बालों में बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आपके बालों पे आएगा अगर जब भी आप कोई हेयर पैक लगा रहे हो तो इस जो कचरा आप समझ के फेंक दोगे उसे आपको पेस्ट बना करके उस हेयर पैक में मिला करके बालों में लगा लीजिएगा ठीक है मैं भी वही काम करूँगी और यहाँ पर मैंने विटामिन ई कैप्सूल लिया है चार से पांच कैप्सूल आपको इसमें ऐड कर लेना है विटामिन ई e के फायदे तो आप सभी जानते हो तो इन्हें कट करके इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से एयर टाइट बंद कर देंगे और जब भी आपको बाल धुलने हो, एक दिन पहले रात में आपको इसे अपने बालों में अच्छे से मसाज करना है चलती हूँ फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा